गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम टू अनदर व्लॉग। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम लोग बैंगलोर जा रहे हैं, तो हम लोग बैंगलोर गए और वापस आ गए। वहां पे मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि ऐसा कोई प्लान नहीं था। वहां पे हम बहुत ही पर्सनल टाइम बिताने के लिए कमल के फ्रेंड्स के पास जा रहे थे, वो करके हम लोग आ गए। और एक्चुअली ना अच्छा हुआ कि पहले से ही डिसाइडेड था कि व्लॉग मैं नहीं करूंगी वहां पे, बिकॉज मैं कर भी ना पाती क्योंकि बैंगलोर पहुंचते ही मेरी तबीयत खराब हो गई। पानी वहां का कितना हार्ड है, बिकॉज हम लोग 4th को वहां पे हमें जाना था, तो 4th की शाम को हम लोग वहां पे पहुंचे। पहुंच के मैंने बस अपना पहला पानी पिया होगा वहां पे, उसके बाद मेरे पेट में दर्द होनी शुरू हुई। पर तब तक मैंने ये रियलाइज नहीं किया था कि पानी की वजह से हो रहा है। मुझे ऐसे लग रहा था कि हाँ ठीक है, मेरा पेट खराब हो गया। कि मेरा पेट ऐसा खराब जिंदगी में नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है अगर हम 3 दिन वहां पे, तो 3 दिन में से 1.5-2 दिन मैं वॉशरूम के अंदर थी, तो उससे ऑब्वियसली मतलब पेट में इतना दर्द हो रहा था, इतनी गैस बन रही थी, इतना दर्द, लूज मोशंस, एंड क्योंकि लूज मोशंस हो रहे थे तो उस वजह से मैं बिल्कुल ड्रेन हो रही थी और डिहाइड्रेट हो गई थी बहुत ज्यादा। बट एनीवे, अगली सुबह 5th की सुबह जब हम लोगों ने ये रियलाइज कर लिया था कि ज्योति ये तुमको पानी से ही हो रहा है, बिकॉज एज सून एज आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर मुझे प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो हम लोग गए नीचे और बिस्लरी का पानी खूब सारा 4-5 लीटर मेरे लिए ले आए कि अगले 2 दिन ज्योति तुम सिर्फ यही पीना। बट वी हैड अ लवली टाइम इन बैंगलोर। अभिषेक और मेघा के यहाँ पे लूडो वूडो खेली हम लोगों ने, ट्रूथ एंड डेयर, इस तरीके से हम लोगों ने हमारा टाइम स्पेंड किया। सो इट वॉज अ नाइस टाइम, बट बैंगलोर मुझे हमेशा याद रहेगा। और उस वजह से अंकित से मुझे मिलना था, एंड मेरी एक्चुअली एक वहाँ पे और फ्रेंड भी है, उसको आप जानते भी हो, नेहा लखवानी को, मेरे व्लॉग में आई हुई है 1-2 बार। सो देयर आर फ्रेंड्स हु लिव इन बैंगलोर, बट किसी को भी मिलने का फाइनली कुछ प्लान नहीं बन पाया। जैसे गए वैसे ही वापस आ गए। नाउ आई एम बैक। आज है 9th अक्टूबर। कल का पूरा दिन मेरा, आई वाज सो डिहाइड्रेटेड, आई वाज सो ड्रेन्ड, उन सब में मैं व्लॉग तो सोच ही नहीं सकती थी करने का, बिकॉज अंदर मेरे एनर्जी नहीं थी। एंड ऑल्सो आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क। आभारी का लास्ट वीडियो जब मैंने डाली थी, जिसमें मैंने वाटर फ्रेशनर बार्स रीस्टॉक करते हुए दिखाए थे, तो जय माता दी, आई गॉट अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स। सो आई हैड लाइक 80+ ऑर्डर्स येस्टरडे टू पैक ऑल on my own, obviously, because आपको पता है, I don't have a team and I have no plans to, you know, keep a team for Abhari at this moment. मैं सुबह I think 8 बजे ही office चली गई थी, and 1-2 बजे के आसपास मेरा pickup होता है सारे उनका, तो मैं सुबह 5-6 घंटे लगा के मैंने orders pack किए हैं। कल मेरा आधा दिन पहले उसमें निकल गया, उसके बाद मेरी कमर टूट गई आके, I was already drained, थोड़े बहुत कपड़े वपड़े धोने शुरू किए, तो कल का सारा मेरा दिन ऐसे निकला। Today I thought I will now start the vlog, I'm feeling a bit better. कल मेरा जिम भी था, कल मेरा पूरा प्लान था कि कमू आज तो जिम की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, बट फिर मैंने अपना को मना लिया कि नहीं ज्योति, बैंगलोर में ऑलरेडी तुम्हारा ब्रेक हो गया, तो कल रात को हम लोग जिम भी गए, बहुत सारी चीजें, तो कल मेरा सारा दिन ऐसे ही निकल गया। नाउ टुडे आई एम स्टार्टिंग दिस व्लॉग। सबसे पहले शुरुआत करूंगी मैं, 2 पैकेजेस हैं मेरे पास खोलने के लिए, वहां से ऐसे शुरू करती हूँ ना व्लॉग, आजकल तो थोड़ा सा एक रिदम क्रिएट हो जाता है, रिदम बन जाता है। तो या पहला पार्सल है मेरे पास ये है फॉक्सटेल का, ये कल ही आया है, इसमें आई डोंट नो क्या है। दिस इज द बॉक्स। व्हाट, देयर इज ओनली 1 प्रोडक्ट इतने बड़े डब्बे में? दिस इज नायसिनामाइड क्लेरिफाइंग सेरम। स्टिकर्स हैं इसमें, दिस इज अ मिरर। ये स्टिकर वाला है क्या? इसका मैं क्या करूंगी भाई, ये तो कहीं लग भी नहीं सकता, पीछे कोई स्टिकर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसको अपन किधर लगाएगा? Am I missing something? I don't think so. उसके अलावा मेरे पास एक और पैकेज है, ये मैंने उठवाया था वृति के यहाँ से। सो जब मैं वृति के यहाँ पे गई थी दिल्ली गणपति वाले टाइम पे, मैंने आप लोगों को बताया था कि वृति ने क्योंकि वेट बहुत लूज किया है, तो उसके बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो उसने मेरे लिए अलग करके रखे हुए थे कि ज्योति ट्राई कर लियो, इसमें से जो तुझे समझ में आए वो तू ले लियो। तो जब मैं दिल्ली गई थी, मैंने वहां पे 2 सूट तो उसके पहने ही थे गणपति में, और उसके अलावा मैंने जो उसने निकाल के रखे हुए थे वो मैंने ट्राई कर लिए थे। मेरे सूटकेस में तो जगह नहीं थी लाने के लिए, तो उसके बाद फाइनली मैंने फिर ये पैकेज उनके यहाँ से उठवा लिया। नई चीजों का हॉल बनाते हैं, तो ये भी आपको दिखाती हूँ, व्हाई नॉट, राइट? ओके, ये रहे जीन्स भी है, अभी मेरी जितनी कमर है उसकी एक टाइम पे थी। सो दिस इज 1 ब्लैक जीन्स। उसके अलावा एक ये चिकनकारी का ये सूट है, ये है रॉयल ब्लू टाइप के कलर का, ये सूट नहीं है आई थिंक ओनली कुर्ती है, तो इसके नीचे हम अपना कुछ भी पेयर कर लेंगे। हाँ जी, नहीं 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 नहीं, इस पे नहीं बैठना बेटा, इस पे नहीं बैठना, सारे बाल बाल हो जाएंगे आपके इस पे। इधर आओ, ऊपर आओ, उधर जाओ, गो अप। एक है ये वाला सूट,
ये अंगराखा टाइप का है अंदर से, अगर आप ऐसे पहनना चाहो, अदरवाइज ऐसा कुछ सिस्टम था, उसने मुझे समझाया था, बट एनीवे दिस इज द सूट, जचा था मुझ पे, अच्छा लगा था तो मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया था। उसके अलावा ये तो एक बार मैं जब इससे पिछली बार दिल्ली गई थी ना, तो वृति का मैंने वहां के वहां पहना भी था मार्केट में, तो ये मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो मुझे पता है मेरे पे जचता है तो ये तो दे ही दे। सो एक ये है चिकनकारी में, इसके साथ का हमारे पास पैजामा भी है, एंड देन एक और जीन्स है, दिस इज लाइट, वेरी लाइट ब्लू कलर, स्काई ब्लू टाइप्स। उसके अलावा एक ये बड़ा तड़कता भड़कता सूट है जो मैं रेडी नहीं थी ट्राई करने के लिए, मुझे ऐसे लग रहा था कि ये मैं बिल्कुल नहीं पहनूंगी इतना तड़कता भड़कता, बट फिर जब मैंने पहन के देखा मुझ पे बुरा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा लगा। इट्स अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन, गोटा पट्टी एंड एवरीथिंग, सो मे बी दिस आई विल वेयर ऑन दिवाली। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा मैं बहुत कंजूस होती जा रही हूँ आजकल, बट नहीं, अगर आप लोग मेरा आज की डेट में घर आके देखोगे, इतने कपड़े ही कपड़े हो रखे हैं, इतना फर्नीचर ही फर्नीचर हो रखा है कि मैं अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हूँ जब अपने ही घर का सामान देखती हूँ। एनीवे तो उसके साथ ये नीचे ऐसे स्कर्ट टाइप की पैंट्स हैं, हो गया यार मेरा दिवाली का काम मस्त, कोई ज़रूरी नहीं है नया लेना ही लेना है, राइट। और इसके साथ है ये दुपट्टा, सो आई थिंक दिवाली पे तो मैं पक्का ये वाला पहन लूँगी, एंड शायद करवा चौथ के लिए, या तो अगर मेरा सूट पहनने का मन हुआ तो मैं नया लूँगी, और अगर साड़ी पहनने का मन हुआ तो मेरा तो पता ही आपको, मैं बस सोयू साड़ियाँ पड़ी है मेरे ब्रांड की अभारी की, सो आई वेयर समथिंग फ्रॉम दैट, सो लेट्स सी व्हाट आई डू। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, देखना मुझे जल्दी पड़ेगा क्या करना है इसको, जहाँ पे भी कपड़ों का ढेर दिखता है ना ऐसा सा होता है कि उसके ऊपर ढेर के ऊपर जाके बैठ जाऊँ। अटू नो बाबा, चलो हेलो तो करो सबको, हेलो गाइस, चाय पी लो, गुड मॉर्निंग गाइस। मैं मम्मा को सारी रात बहुत तंग करता हूँ गाइस, मम्मा पापा दोनों को, और सारा दिन मैं सोता हूँ गाइस, चलो जाओ। ओके मैडम भी आ गई है, हाय मैम, मिस्टू व्हाट वाज दैट, व्हाट वाज दैट मिस्टू, मेरे ऐसे ही झटके आते हैं बॉडी में, पता है आधी चोटें मुझे इस मिस्टी की वजह से लगती हैं। ओके सी यू इन सम टाइम। अब मुझे लेना है अपना ये स्लिम शेक, दिस इज फ्रॉम इनक्रेडियो, आई विल ऐड 2 स्कूप्स ऑफ दिस, add milk, few ice cubes, so this is working very well for me क्योंकि इसके अंदर protein है, high fibers है, vitamins है, minerals है, energy मिल जाती है, और सबसे अच्छी चीज़ है ये मेरे को full रखता है, energy levels मेरे high रहते हैं, so it's a great way to maintain your weight, so I don't skip this at all। इसका link मैंने नीचे description में दे दिया है, check कर लेना अगर आपको भी अपने लिए ये चाहिए। Now I'll enjoy this, mango flavor है so I love it। By the way, I got this coffee from Bangalore Airport. I don't know कैसी होगी, और इसको आई थिंक बनाने का स्टाइल भी कुछ डिफरेंट होगा, लेट्स सी, आई विल फिगर आउट। ये मेरे को मेघा ने गिफ्ट किया, जो कमल की फ्रेंड है, स्कार्फ है सिल्क का, दिस इज हैंड पेंटेड, ये रहा, वेरी सॉफ्ट, वेरी ब्यूटिफुल। इसको मैं अपने किसी प्लेन जो मेरे पास सूट होते हैं ना उनमें से किसी के साथ डाल के देखूंगी। ऑलराइट जी, तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब मैं आ गई हूँ जिम, यहाँ पे हम थोड़ी सी करेंगे कसरत और फिर हम जाएंगे घर। क्या ऑडिशन रिकॉर्ड कर रहा है? कमल रोज मेरे को ऐसे सलामी सी देता है जब मैं जिम से आती हूँ, क्या बोलता है एग्जैक्टली? प्रेजेंटिंग टू यू द फाइटर बोर्न इन भापुर, raised in Khanna, eating a lot of ganna and fighting in with her husband all the time, presenting Jyoti Sethi. छोड़ दे दांत निकल आएगा, आरसीटी के पैसे नहीं हमारे पास। ये टीशर्ट क्या कर रही है तुम की वहां पे? ये लेकर आई और वो नहीं पाएगा, तेरे कपड़े हैं ही नहीं सुखाने के लिए। अभी मेरा 2 घंटे नॉर्मल है जिम में। चलो चलो मुझे ऑडिशन रिकॉर्ड करने का। कपड़े देख लो हमारे, अभी भी सूख रहे हैं। अभी तो ये कुछ नहीं है, मतलब ये तो सूखे हुए हैं, बस अब मुझे तय लगाने हैं। ये क्या है पीछे, दरवाजा क्यों नहीं बंद किया हुआ? ये कमरा देख लो हाल। अबे ये मेरा फुल बेटर नहीं आ रही, इग्नोर द सैंडल्स।
तो ये है कमल की प्रॉपर लुक ऑडिशन की. नीचे कच्चा है लेकिन अच्छा दिखना इतना ही है, बाक्सर. दिखना इतना ही है इसलिए. चलो के भाई मैं फ्रेश होती हूँ. ओके गाइस, तो अब मैं पसीने वसीने सुखाऊंगी, कुछ 15 मिनट रेस्ट करूंगी और उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने और दिन को यहीं करते हैं एंड. मैं आप लोगों को मिलूंगी कल. गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे. दिन की शुरुआत हमने कर ली है. थोड़ा सा फ्रेशन अप होके अब मैं लग गई हूँ घर के कामों में. तो यूजुअली मैं आप लोगों को जो सुबह के काम वाम होते हैं, जो मेरी रूटीन होती है, वो दिखाती नहीं हूँ. मैं एक्चुअली वो सब काम निपटा के फिर ही व्लॉग शुरू करती हूँ. बट आज मैंने सोचा थोड़ा सा जल्दी व्लॉग शुरू कर लेते हैं. बातें ज्यादा नहीं करेंगे, वॉइस ओवर डाल दूंगी, लेकिन थोड़ा बहुत आपको दिखा दूंगी कि क्या सुबह घर में चलता है. तो ऐसे छोटे मोटे काम कपड़ों वपड़ों के. तो आज मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सुबह से अपने साथ रखते हैं. घर समेटना, कुछ ऑर्गेनाइज करना है, छोटी मोटी मैनेजमेंट, ये सब कुछ मेरा चलता रहता है. तो इसलिए वही सुबह हमेशा की तरह मेरा कपड़ों का काम शुरू हो गया है. मैं रोज इतने कपड़े धोती हूँ, फिर भी देख लो मेरी बास्केट्स बस फुल ही रहती हैं. कभी बेडशीट्स निकल जाती हैं, कभी टॉवल्स निकल जाते हैं. हाय मिश्रा. गुड मॉर्निंग मिश्रा. गुड मॉर्निंग मिश्रा. गप्पू बाबा. गुड मॉर्निंग सोना बाबा. इधर बहुत सारे बॉक्सेस अमेजोन से आने शुरू हो गए हैं बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग अ गिफ्ट बॉक्स फॉर वृतीज बर्थडे दिस टाइम. सो मेरे पास सारी चीज़ें यहाँ पे रिसीव होंगी, फिर मैं उन्हें पैक करके अच्छे से एक मिस्ट्री बॉक्स की तरह बना के उसे भेजूंगी. मैं ना खोल के देख रही हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं तब खोलूँ जब फाइनली टाइम आए कि सारे डिलीवर हो गए हैं प्रोडक्ट्स और अब मैं पैक करवाती हूँ, और जब मैं पैक करवाने जाऊँ और इन्हें खोलूँ तब पता चले कि कोई चीज़ ठीक नहीं चल रही है या डैमेज आई है या कुछ भी, यू नो. सो मैंने सोचा अब मैं खोलना शुरू कर देती हूँ, साथ के साथ अगर कुछ भी सीन है किसी भी चीज़ का तो हाथ के हाथ मैं रिप्लेस करवा लूँगी. अभी मैं दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि फिर वो देख लेगी वीडियो और उसे समझ आ जाएगा कि मैंने क्या क्या मंगवाया है. ओके, सो अभी तक जितनी चीज़ें डिलीवर हुई हैं वो मैंने चेक कर ली हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं. सो उस वजह से भी इस कमरे में बहुत ज़्यादा खलारा है. अब मैं ऑफिस आई हूँ. आज मुझे ऑफिस में कुछ काम है जो कि ऑफिस में ही होने थे, फिर मैंने सोचा थोड़े बहुत एडिटिंग के काम भी हैं. एक रील मुझे एडिट करनी थी, उसका वॉइस ओवर वगैरह रिकॉर्ड करना था. मैंने कहा वो भी फिर मैं यहीं पे कर लूँगी. सो बेसिकली अभारी की कुछ 5 न्यू डिज़ाइंस हैं जो अपलोड होने रहते थे. काफ़ी ऑनेस्टली काफ़ी दिनों से उसका शूट होके रखा हुआ था लेकिन अपलोडिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा था. तो उस चीज़ से रिलेटेड मेरे को काम करना है. एंड आई विल शो यू द साड़ीज ऑल्सो. 5 ही साड़ीज़ हैं, आसाम सिल्क की साड़ीज है, बड़ी सुंदर. तो उससे रिलेटेड मुझे थोड़ा सा काम करना था. मैंने कहा ऑफिस जाके ही करती हूँ आराम से. लेट्स स्टार्ट दैट. ओके गाइस, तो आज मैं आपको लेके चलती हूँ अपने साथ अपने नेल सैलून, अपने यानी कि जहाँ लाइव तो मैंने कर दिया था कलेक्शन अभी थोड़ी देर पहले, बट थोड़े बहुत चीज़ें उसमें ऐड करनी थी तो वो भी मैंने कर लिया है.
अब मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी वो पांच साड़ियाँ हैं जो हमने न्यू ऐड करी हैं। मुझे बहुत प्यारी लगती है, स्पेशली उसमें से एक रेड कलर की साड़ी है, दैट्स माय फेवरेट। सो दीज आर द फाइव साड़ीज दैट आई हैव अपलोडेड ऑन आभारीज वेबसाइट। दिस इज माय मोस्ट फेवरेट साड़ी बिकॉज ऑफ द कलर, इट्स सच अ ब्यूटिफुल रेड, और टाई एंड डाई की साड़ी है ये साड़ी, बहुत सुंदर है। बाकी फुल ये कैसी दिखती है आप लोग नीचे मैं लिंक डाल दूंगी, उसमें देख लेना। फर्स्ट इज दिस साड़ी, देन वी हैव दिस ग्रीन कलर का साड़ी, अगेन टाई एंड डाई, दिस इज ऑल्सो रियली ब्यूटिफुल, एंड देन आई लव दिस ऑल्सो वाइट एंड ब्लू, वेरी रेयर कॉम्बिनेशन इन अ साड़ी। देन वी हैव अनदर काइंड ऑफ ग्रीन, ये वाला थोड़ा सा डल ग्रीन है और ये वाला थोड़ा सा ब्राइट ग्रीन है, सो दिस इज अनदर वन। एंड देन दिस वन इज द यूजुअल प्रिंट्स दैट वी कीप, बट दिस इज नॉट कॉटन, कॉटन में इस तरीके के प्रिंट्स हैं मेरे पास, बट दिस इज सिल्क, कॉटन एंड सिल्क मिक्स, सो दिस इज कॉल्ड आसाम सिल्क। सो दीज आर द फाइव दैट आई अपलोडेड टूडे ऑन आभारीज वेबसाइट, एंड दिस इज माई फेवरेट साड़ी। इसका मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं करवा चौथ पे पहन लूँ इसको, बट मेरे को ब्लाउज़ रेडी करवाना पड़ेगा। अभी मेरा जो भी ब्लैक ब्लाउज़ है वो मेरे को फिट नहीं हो रहा है, सो लेट्स सी व्हाट आई डू, और मैं बहुत आलस कर रही हूँ इस चीज़ के लिए, सो दैट इज़ व्हाई। सो अभी ना मुझे आभारी के जो बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, जिनमें मैं कैंडल्स भी भेजती हूँ, वाटर फ्रेशनर बार्स भी भेजती हूँ, वो भी ख़त्म होने वाले हैं, तो इससे पहले वो ख़त्म हो मेरे को वो भी ऑर्डर करने हैं, और मेरी ट्रांसपेरेंट जो टेप जो बहुत यूज़ होती है वो भी ख़त्म होने को आई है, तो ऐसी दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे ऑर्डर करनी है, तो अब मैं वो कर लेती हूँ। तो अगर आपका भी कोई छोटा सा बिजनेस है और आप लोग भी जानना चाहते हो मैं कहाँ से ऑर्डर करती हूँ, पैकनेस्ट नाम का एक वेबसाइट है जहाँ से मैं ऑर्डर करती हूँ। अच्छे खासे ऑप्शंस हैं, मतलब जो एटलीस्ट मुझे आभारी के लिए चाहिए होती है ना चीज़ें, वो सारी इनके पास मिल जाती हैं। अच्छा, मैं क्या करती हूँ ना, आभारी के जो डब्बे हैं, जैसे मैं दिखाती हूँ एक सेकेंड, अभी जैसे मैं सबसे छोटे वाला लेके आई हूँ, ठीक है, सो ये मैं मंगवाती हूँ, इसको असेंबल करती हूँ, और इसके अंदर फिर कैंडल भी जाती है, वाटर फ्रेशनर बार्स भी जाते हैं, तो आपको ये डब्बा रिसीव होता है, राइट। इस पे अगर आप देखोगे तो आभारी लिखा हुआ है, ये जो आभारी यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक्चुअली डब्बे के ऊपर प्रिंटेड नहीं है, क्योंकि जब मैंने यू नो आभारी शुरू किया था एंड मैंने धीरे धीरे रिसर्च करी, तो उससे मैं कंक्लूजन पे आई थी कि भाई अगर मुझे प्रिंटेड डब्बे चाहिए आभारी के लिए, है ना, जिसपे आभारी लिखा हो, तो वो तो बहुत महंगे पड़ रहे थे, लाइक एकदम से समझ लो डबल कॉस्ट हो रही थी, तो वो बिल्कुल सेट नहीं बैठ रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने प्लेन डब्बे मंगवाए, और ऊपर ये जो आप आभारी देख रहे हो ये मैं स्टैम्प करती हूँ इस पे आभारी, तो मैंने एक स्टैम्प बनवाई हुई है, वो उसका भी अगर मुझे लिंक मतलब नाम याद आया, क्योंकि स्टैम्प बन चुकी है, इट इज़ नॉट समथिंग जो मैं रेगुलर बनवाती हूँ, जब स्टार्ट किया था भारी और जब हम लोगों ने वेबसाइट स्टार्ट की थी तब बनवाया था, बट उनका नाम कुछ स्टैम्प से ही है शायद, हाँ मिला मुझे, नाम याद आया और लिंक मिल गया, तो मैं नीचे वो भी डाल दूंगी। सो अगर आप लोगों का भी कोई छोटा बिजनेस है तो आप ये कर सकते हो कि प्लेन डब्बे बनवा लो रादर देन गेटिंग द कस्टमाइज प्रिंटेड बॉक्सेस, और ऊपर मैं स्टैम्प लगा लेती हूँ खुद से। ओके, अब मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। इसके बाद अब मुझे जाना है घर, कमल आने वाला है, एंड बाय द वे जब तक ये वीडियो जाएगी तब तक वाटर फ्रेशनर बार्स फिर से स्टॉक हो चुके होंगे। लास्ट जो मैंने वीडियो डाली थी और उसमें बोला था कि स्टॉक में आ गए हैं, वो एक से डेढ़ दिन के अंदर ही सारे आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, तो अभी मैंने मंगवाए हुए हैं, जब तक ये वीडियो जाएगी तब तक आ चुके होंगे और वो वापस से इन स्टॉक आ चुके होंगे, तो अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो दे आर इन स्टॉक ऑलरेडी, मैंने नीचे लिंक दे दिया, देख लेना, बिकॉज आई रिसीव अ लॉट ऑफ कॉमेंट्स एंड मैसेजेस के हम लोग कर रहे हैं लेकिन आउट ऑफ स्टॉक है। एक्चुअली जब तक आपने वीडियो देखी और जब तक आपने ऑर्डर करने की सोची तब तक वो वापस से आउट ऑफ स्टॉक हो गए। एक्चुअली मैं ये बहुत सारे क्यों नहीं बनवाती हूँ, लाइक सोचो आप सोचोगे कि हज़ार बनवा लूँ ना यार इकट्ठे, पता है क्या होता है, जिस दिन ये बनते हैं राइट उस दिन से इनकी लाइफ शुरू हो जाती है, एंड आई डोंट वॉन्ट कि एक एक दो दो महीना मेरे पास ये चीज़ पड़ी रहे और इनकी ऑलरेडी जो लाइफ है वो दो महीने मेरे पास ही पड़े पड़े कम हो गई और आपके पास जब आई है तो उनकी फ्रेग्रेंस कम हो चुकी है। हार्डली फर्क पड़ता है क्योंकि एनीवे ये छः सात महीने चलते हैं मेरे वाले वाटर फ्रेशनर बार्स, उससे भी ज़्यादा ही चलते हैं एक्चुअली, बट आई स्टिल डोंट वॉन्ट कि मेरे पास एक महीना भी पड़े रहे या दो महीने भी, बिकॉज जो कैंडल्स होती है ना, कैंडल्स इज लाइक जब बर्न करेगी तभी उसकी फ्रेग्रेंस बाहर निकलेगी, बट ये जो चीज़ होती है वाटर फ्रेशनर बार्स, ये वैक्स सैशे है राइट, सो ये कोल्ड थ्रू चीज़ है, तो ये जब बनती है इसकी लाइफ ऑलरेडी शुरू हो जाती है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पीसेस नहीं बनवाती हूँ, एक बार मैं 100 के आसपास के पीसेस ही बनवाती हूँ, बट ये हो जाता है हमेशा कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ 100 इनफ है, मैं शायद थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर जाती हूँ अपनी ही प्रोडक्ट को और अपने आप को, बट एक्चुअली वो एक डेढ़ दिन के अंदर सारे के सारे सोल्ड आउट हो जाते हैं। इस बार मैंने थोड़े से ज़्यादा बनवाए हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं बनवाए बट मैंने 150 के आसपास पीसेस बनवाए हैं इस बार, सो जब भी आप ये वीडियो देखो हाथ के हाथ ऑर्डर कर लेना इफ़ यू रियली वांट देम, अदरवाइज फिर से कहीं वो दो चार दिन के अंदर चले ना जाएं।
ओके मेरा अब यहाँ का काम डन हो गया, 3 तो बच चुके हैं यहीं पे मुझे, और अब मुझे जाना है घर क्योंकि 5 बजे मुझे जाना है जिम. आज मेरा है चेस्ट और ट्राइसेप्स मुझे करनी है, सो मेरे चेस्ट ट्राइसेप्स, फिर मैं स्क्वाट्स रोज ही मारती हूँ, डेडलिफ्ट मैं रोज ही मारती हूँ, और वॉक भी मैं रोज ही करती हूँ ट्रेडमिल पे. तो मुझे ना ना करते ना 2 बॉडी पार्ट्स पूरे अच्छे से और ये सब चीज़ें करते करते 2 घंटे आराम से जिम में लग जाते हैं, और उसके बाद मैं इतना थक जाती हूँ कि आगे बस मुझे ऐसे होता है कि अब जो है दिन को ख़त्म किया जाए और रिलैक्स करके नहा धो के अपना डिनर करके फिर मैं सो जाती हूँ. एंड यू गाइज नो मैं जल्दी सोती हूँ. ओके ठीक है चलो, अब मैं चलती हूँ घर और वहाँ पे हम थोड़ा सा इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं. हमारी वो जो चप्पलें हमने मोमोसो वाली खरीदी हुई है वो कहाँ रखी, और मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि हमारा पिंक कलर का डब्बा है, और सीरियस नोट पिंक कलर का डब्बा है, उसी में सारा ट्रैवल का सामान होता है, वहीं से लिया करो वहीं रखा करो. फिर वो मुझे इधर अलमारी में मिला, वो भी मैं कुछ रख रही थी इसलिए. कौन सा पिंक कलर का डब्बा? वो जो नायका का डब्बा है बड़ा वाला, टेप रिकॉर्डर बना हुआ है, याद आया? हाँ. और अभी भी ये सीधा सीधा आदत क्यों नहीं डालते हो, फिर ये शाम तक यहीं पड़े रहते, फिर मैं सड़ती हूँ, फिर तुम बोलते हो कि मैं पानी भी नहीं पूछा अपने पति को. I've taken now photos. What is this? Kya? What is this press doing on the bed? What is this press doing on the अरे bed? ये जिम जाने से पहले कल मैंने अपनी टी-शर्ट जब प्रेस करी थी वो है. हाँ, रखी किसने वापस? किसने रखी वापस? देख एक किसने? एक चीज कर ली है, एक और है, एक और फोटो लेके रखी हुई है कमल ने. तुम्हें लग रहा है एक है? What is this teacup doing on the? What is the place of this teacup after you drink tea? Green tea is over. It should be in the sink and the green tea should be in the dustbin. One more, you want to see? Yeah, I want to. Well, I did not take picture, but when you chhidkao the neemu on the salad, the neemu should go in the dustbin and the bowl should go in the sink. Sink. Your neembus, 2 neembus and the bowl were both in the sink. Who removed them? And I've just come. I'll just remove my shoes, have a glass of water, then I'll keep my helmet. Arey, I saw you camp. Doing this, that's why I told you. Ab uthao in dono cheez, chabi ko latkao chabi wali jagah pe. Jagah pe rakhne wali baat hai, tum yahan nahi. Kamal, main hardly karti hu yaar aisa, please yaar. I just showed you 2 proofs. What is the tripod doing and the because that is the new place. Right. Peeche jagah hi nahi hai. तो तुमने देखा नहीं, एक्सक्यूज मी, तुमने देखा नहीं कि मैं लास्ट 10-15 दिनों से यहीं पे ट्राइपॉड रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह खाली होती थी और अंदर तुम्हें पता है जगह नहीं है रखने की चीजों की स्टोर रूम में, तो इसलिए मैंने यहाँ रख दिया. She's eating, she's chewing my pen. My very valuable collection. हाँ, ये क्योंकि ये भी मुझे वहां से मिला है टेबल पे, और तुम्हारा कोई तो कागज और कोई तो ये पता नहीं क्यों कमू जूतो सेठे. क्या रिमेम्बर वो पेपर और पेन तूने लिया था अपने बैग्स का वो लिखने के लिए काउंट, और तूने वहां रखा था? अच्छा, हर चीज को मेरे पे मत पेला कर. एक्चुअली ये मैं नहीं रखा था. ठीक है ठीक है ठीक है, कैमरे में ही बोल रही हूँ. ये लो पेन का उठा के लिख दी पति देव. ठीक है ठीक है, पेन चलो. हाँ, ये तो बॉम्बे का ना टेम्परेचर अलग हो रखा है, रात में हो रही है बारिश और दिन में हो रही है भयंकर गर्मी. अब अच्छा गाइज, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू शेयर अबाउट दीज शॉर्ट्स दैट आई टुक फॉर अबाउट अ वीक. इसमें से कुछ डबिया मैंने संभाल के भी रखी थी कि शायद मसालों के काम आ जाए. खैर उस चीज़ को तो हम बाद में देखेंगे, बट आई वॉन्टेड टू शेयर माई रिव्यू अबाउट दिस. ऑनेस्टली आई डोंट थिंक इन्होंने कुछ भी किया है. इनफैक्ट मेरे अच्छे खासे रेगुलर स्टूल रूटीन को इसने आई एम नॉट श्योर बट खराब किया. यानी कि आई स्टार्टेड हैविंग इररेगुलर टॉयलेट रूटीन. आई डोंट थिंक देयर एनी गुड. आई थिंक आप लोग नहीं लोगे तो चलेगा. जिन लोगों नहीं बताया उन लोगों के लिए बता दूं कि मैंने एक व्लॉग में दिखाए थे कि मैंने लिया, और मैंने बताया था कि मैं शेयर करूंगी कि कैसे हैं ये. सो आई डोंट थिंक कि ये कोई बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके लेने के लिए. और जब मुझे लगा ना कि यार अच्छा तो नहीं कर रहे, इनफैक्ट शायद ख़राब ही कर रहे हैं मेरे रूटीन को, तो मैंने लेने छोड़ दिए. सो आई डोंट नो अब इनका मैं क्या करूँगी, बट दे आर अ
प्रॉपर वेस्ट फॉर मी. किसी और को अगर ये सेट बैठेंगे तो आई कांट से, बट मेरे लिए कुछ खास नहीं थे. लुक एट हर, व्हाट इज दिस? यू थिंक यू लुक लाइक ऐश्वर्या राय? अब लेके आइए तो वापस भी रख के इसको. जा तो वापस रख के इसको. बातें करोड़ोगी, दुकानें पकड़ोगी. दुकानें नहीं, दुकान. दुकान पकड़ोगी. हमने नई कहावत सुनी अभी, एक शो देख रहे हैं उसमें. कौन सा शो है, क्या नाम है? कुकुस कभी मैं कभी तुम. मिस्टर क्या कर रही है? कभी हम कभी तुम. बस तुझे ना अब जुराब से हो गया, तेरा मन भर गया. फेच अब इससे मन भर गया ना. पहला उतर को जरा मुंह पे बना दे इसके, कमू चोंच पे बना दे इसकी. कपच्ची कहीं की दे दे. खेलना है तेरे मुंह में ना, 10 दिन की सड़ी हुई जुराब जब डालू ना तो बेहोश होकर गिर जाएगी तू. पता नहीं क्या मजा आता है. 3,000 रुपए का सुवर लाके देता खेलने के लिए, लेकिन खेलेगी किससे? जुराब से, सड़ी हुई जुराबों से. 3,000 का थोड़ा था. कितने का था वो? 400-500 रुपए का था. तू भी तो एग्जैजरेट करके बोलती हर बात को. मैं तो नहीं बोलती हर बात को. लेके आता तो कह रही इतनी देर में 50 लोगों को पानी पिला देती. मैं 3,000 रुपए बोल देता उससे तेरे को दिक्कत होगी. फूफा जी नाराज. फूफा जी नाराज. उनको आज शादी में रसगुल्ले नहीं मिले उनको. तब से नाराज है. देख ले मेरे फूफा जी. ओके गाइस, आई एम मेकिंग सैलेड. ये राजमा बीन्स यूज करके, और इसके अंदर खूब सारा मिक्स सैलेड है. मसालों में मैं डालूंगी नमक और काली मिर्च और लेमन. दैट्स इट. ये सब मैं मिक्स करने वाली हूँ. एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू ईट टुडे. बड़ा सिंपल है, इजीली तैयार हो जाता है. ये उबलवा के रख लेते हैं हम लोग और ये कटवा लेते हैं. एंड वेरी सिंपल टू मेक. अच्छा, दिस सैलड आल्सो हैज अ लॉट ऑफ पनीर इन इट. सैलड इज रेडी. ये कम्मू और मैं दोनों खा सकते हैं आराम से. इट्स अ लॉट ऑफ सैलड. तो हाफ अब मैं खाऊंगी और खाने के थोड़ी देर बाद मैं अब चली जाऊंगी जिम. ऑलराइट जी, तो सैलड ख़त्म करने के बाद मैं गई जिम. जिम में मैंने की कसरत और दिन को कर दिया एंड. इसके बाद मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं बची व्लॉग को एंड करने की. होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो. इफ यू डिड लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू गाइज सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइज.